कन्वर्टेड इन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्वायर्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्वायर्ड, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज एल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज एल, अगर कोई कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है ना, ठीक है। देन इंडिविजुअल ज्योमेट्रिक फोर्स की तरफ देखो तो ए इक्वल टू माइनस एल डेल्टा, माइनस एल डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है ना, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, तो देखिए डेल्टा ए कितना होगा बताओ, डेल्टा ए जो है ये ए इक्वल टू कितना होगा, ये डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय सॉरी ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस एल डेल्टा ए पॉइंट डेल्टा टी, डेल्टा ए पॉइंट डेल्टा टी ना, यहां से डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एल डी क्यू बाय डेल्टा टी इनटू डेल्टा ना, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एल डी क्यू बाय डी टी क्या है, करंट, डी क्यू बाय डी टी क्या चीज है, करंट है, ये क्या चीज है, करंट। रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, इसको करंट कह सकते हैं ना। तो देखिए तो इन ग्रोथ ऑफ, इन ग्रोथ ऑफ करंट इन सोलेनोइड आज क्वायर, ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड ना, क्योंकि जब करंट ग्रो करेंगे सोलेनोइड में तब क्या होगा बताए, एक इंड्यूस्ड करंट बनेगी जो कि इस ग्रो का अपोज करेगा ना, तो इस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क कितना बचे, वो वर्क जो है डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डेल्टा आई, इफ करंट इन कॉइल इज आई देन टू इंक्रीज करंट इन सर्किट बाय डेल्टा आई, दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द एजेंट, को इतना वर्क करना पड़ेगा ना, अगर कॉइल का करंट बढ़ाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मानते हैं कि आप जीरो से आई तक करंट बढ़ाना चाहते हैं, जीरो से आई जीरो तक करंट बढ़ाना चाहते हैं, तब कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू ग्रो, रिक्वायर्ड टू ग्रो करेंट, required to grow current from 0 to I, 0 से I तक करंट आप बढ़ा सकते हैं, कि कितनी एनर्जी की जरूरत होगी बताए, ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू I, 0 टू I डी डब्ल्यू ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू I डी डब्ल्यू इक्वल माइनस एल आई डेल्टा ना, ठीक है। अच्छा माइनस एल क्या बता रहा है, लेंथ का बता रहा है, माइनस एल क्या बता रहा है, लेंथ का, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज अपोजिट टू द, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सर्टेन इन अपोजिट बिकॉज बाय व्हिच इट हैज प्रोड्यूस ना, तो इसलिए माइनस एल नहीं लेते केवल माइनस टू लेते। तो यहाँ से डब्ल्यू शुड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू शुड हो गया एल कॉन्स्टेंट का हो जाएगा इंटीग्रेशन ड्यू टू आई हो गया आई इंटू डेल्टा आई, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एल हो जाएगा आई स्क्वायर आई वन प्लस वन, आई वन प्लस वन हो गया आई वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन ड्यू टू है ना, वन बाई टू एल आई स्क्वायर माइनस जीरो ठीक है। तो इसमें डब्ल्यू क्या चीज है बताओ,
जब करंट बढ़ेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हो जाता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है, ग्रो आप करंट को अपोज करेगा, ये डीके हो रहा है डीके आप करंट को अपोज करेगा ना। दिस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि इसी क्वेश्चन दिया गया है। तो इतना एनर्जी दे करके इतना एनर्जी पास करके आपने कॉइल या सोलेनोइड में आई करंट एस्टेब्लिश कर दिया, आई करंट क्या कर दिया एस्टेब्लिश कर दिया ना, ठीक है। तो आपने जो एनर्जी खर्च किया वो वेस्ट नहीं जाएगी, किसी दूसरे काम में चेंज हो जाएगी ना। ये कहाँ चले जाएगी बताओ, ये जो है हम मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी क्योंकि आपने इतना वर्क करके करंट को एक पोजीशन दे दिया, हाई पोजीशन दे दिया ना। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन आप सिस्टम क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, क्या कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब ये एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड में है, जब एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इस चेन में मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन द कॉइल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन द कॉइल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन द कॉइल इज स्टोर इन द कॉइल। तो कॉइल में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, यू इज टू डब्ल्यू है ना, तो यू इज टू कितना हो जाएगा 1/2 एल इंटू आई एल इंटू आई, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कॉइल, ठीक है। तो चलिए टॉपिक के इस टाइप से कॉइल में आप ऐसे करंट फ्लो कर सकते हैं, अगर करंट उसमें जैसे भेजिएगा तुरंत सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा है, और इस ग्रोथ का अपोज करेगा, या कम हो रहा है तो कम होने का अपोज करेगा, ठीक है। तो इस अपोजिंग फोर्स के बेस आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके करंट उसमें बढ़ेगी, ठीक है, या कम होगी।